तो चलिए शुरू करते हैं चौथे भाग का अगला हिस्सा। दरवान भूल में आ जाने वाला पात्र नहीं था। उसने हाथ उठाकर कहा, यह सब चालाकी मेरे सामने नहीं चल सकती। जमींदार स्थानीय व्यक्ति नहीं थे। गांव में उनकी एक कचहरी है। गुमास्ता अदर राय उनके कारगुजार है। सब लोग जिस समय दरबान के समय व्यर्थ अनुनय विनय करने लगे, कंगाली गहरी सांसें लेकर तोड़ता हुआ एकदम कचहरी वाले मकान में जा उपस्थित हुआ। उसने लोगों के मुंह से सुना था, प्यादे लोग घूस लेते हैं। उसे निश्चिंत विश्वास हो गया कि इतने बड़े असंगत अत्याचार की बात यदि मालिक को जता दी जाए तो इसका कोई प्रतिकार हुए बिना न रहेगा। हाय रे अबोध, बंगाल देश के जमींदार और उनके कर्मचारियों को वो जानता नहीं था। सद्य मात्रहीन बालक शोक तथा उत्तेजना से उत्प्रांत होकर एकदम ऊपर चढ़ता चला आया। अदर राय हाल ही में संध्या पूजा तथा थोड़ा बहुत जलपान करने के बाद बाहर आए थे। विस्मित और क्रुद्ध होकर बोले, क्या है रे, मैं कंगाली हूँ। दरबार ने मेरे पिता को मारा है। ठीक किया, अभागा लगान नहीं देता शायद। कंगाली बोला, नहीं बाबूजी, पिताजी पेड़ काट रहे थे, मेरी माँ मर गई है। कहते कहते वह अपना रुदन और नहीं रोक सका। सवेरे के समय इस रोने धोने से अदर अत्यंत विरक्त हो उठे। लड़का मुर्दे को छू कर आया है, क्या पता यहाँ भी कुछ छूछा न दिया हो। धमकाते हुए बोले, माँ मर गई है तो नीचे जाकर खड़े हो। अरे कौन है रे, इस जगह थोड़ा सा गोबर पानी डाल दो। किस जाति का लड़का है तू? कंगाली ने भयभीत हो आंगन में उतर कर खड़े होकर कहा, हम लोग दूल्हे हैं। अदर ने कहा, दूल्हे? दूल्हे के मुर्दे के लिए लकड़ी का क्या होगा, सुनो तो। कंगाली बोला, माँ जो मुझे अग्नि देने के लिए कह गई है, आप पूछ लीजिए ना बाबूजी। माँ तो सभी से कह गई है, सभी ने इस बात को सुना है। माँ की बात कहते समय उसके प्रत्येक क्षण के अनुरोध उपरोध तुरंत ही याद आ जाने से उसका कंठ मानो रुलाई के कारण फट पड़ना चाहने लगा। अदर ने कहा, माँ को जलाना चाहता है तो पेड़ के दाम 5 रुपए लाओ। ला सकेगा? कंगाली जानता था यह असंभव है। उसका उत्तरी खरीदने के लिए मूल्य के रूप में उसके भात खाने की पीतल की थाली को बिंदी की बुआ 1 रुपए में गिरवी रखने गई है। इसे वो आंखों से देख आया है। उसने गर्दन को हिलाया, बोला, नहीं। अदर ने मुंह को अत्यंत विकृत बनाते हुए कहा, नहीं तो माँ को ले जाकर नदी के बहाव में बहा दे। किसके पेड़ पर तेरा बाप कुल्हाड़ी चलाने जा रहा है, पाजी, अभागा, बदमाश? कंगाली बोला, वह हमारे आंगन का पेड़ है बाबूजी। वह तो मेरी माँ के हाथ का बोया हुआ पौधा है। हाथ का बोया हुआ पेड़ है? पांडे, सूर के गले में धक्के मारकर बाहर निकाल दो तो। पांडे ने आकर गले में धक्का दिया एवं ऐसी बातें कहीं की जिन्हें केवल जमींदार के कर्मचारी ही कह सकते हैं। कंगाली दूली झाड़कर उठ खड़ा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकल गया। क्यों, उसने मार खाई? क्या उसका अपराध था? लड़का इसे सोच भी नहीं पाता। कुमास्ते की निर्विकार हृदय में दाग तक नहीं पड़ा। पढ़ने पर यह नौकरी उसे नहीं मिलती। कहा, परेश देख तो इस बेटा का लगान बाकी पड़ा है कि नहीं। हो तो इसका जालवाल जो कुछ हो छीन ले, आकर रख देना। अबागा भाग कर जा सकता है। मुखर्जियों के घर श्राद्ध का दिन 20 में केवल एक दिन बाकी है। समारोह का आयोजन गृहिणी के उपयुक्त होने का प्रयत्न हो रहा था। व्रत ठाकुरदास स्वयं ही देख रेख करते हुए घूम रहे हैं। कंगाली ने आकर उनके सामने खड़े होकर कहा, पंडित जी, मेरी माँ मर गई है। तू कौन है, क्या चाहता है तू? मैं कंगाली हूँ, माँ कह गई है उसे अग्नि देने के लिए, तो देना। कचहरी की घटना इस बीच सबके मुंह से प्रचारित हो चुकी थी। एक आदमी ने कहा, उसे शायद एक पेड़ चाहिए। यह कहकर उसने घटना को प्रकट कर दिया। मुखोपाध्याय ने विस्मित और विरक्त होकर कहा, सुनो इसकी बातें, हमें ही कितनी लकड़ी की जरूरत है। कल के बाद परसों काम है, जा जा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। यह कहकर अन्यत्र चल दिए। भट्टाचार्य महाशय समीप ही बैठे हुए फर्द बना रहे थे। वे बोले, तेरी जाति में कोई कब जलाया जाता है रे?
जा, मुंह में थोड़ी सी आग रखकर नदी की धार में मिट्टी दे देना। मुखोपाध्याय महाशय का बड़ा लड़का व्यस्त भाव से इस ओर से कहीं कुछ आ रहा था। उसने कान खड़े कर कुछ सुनते हुए कहा, देखते हैं भट्टाचार्य महाशय, ये सब बेटे ब्राह्मण कायस्थ हो जाना चाहते हैं, कहकर काम की जल्दी में और कहीं चला गया। कंगाली ने और कोई प्रार्थना नहीं की। इन दो घंटों के अनुभव से संसार में वह जैसे एकदम बूढ़ा हो गया था। चुपचाप धीरे धीरे अपनी मरी हुई माँ के पास जा उपस्थित हुआ। नदी की धार के पास गड्ढा खोदकर अभागी को सुला दिया गया। राखाल की माँ ने कंगाली के हाथ में एक पुआल की आंटी जला कर दे दी। उसी हाथ से माँ के मुख को स्पर्श करवा कर हटवा दिया। तदउपरांत सबने मिलकर मिट्टी से ढक कर कंगाली के माँ के अंतिम चिन्ह तक को विलुप्त कर दिया। सब अपने कामों में व्यस्त हो गए, परंतु उस पुआल की आंटी से जो थोड़ा सा धुआं निकलकर आकाश की ओर उठ रहा था, उसकी ओर अपलक नेत्रों से देखता हुआ कंगाली उद्र दृष्टि से स्तब्ध खड़ा हुआ था। यह कहानी जिस समय की है, उस समय ब्रह्म देश यानी ब्रह्मा अंग्रेजों की अधीनता में नहीं आया था। उस समय उसके अपने राजा रानी थे, पात्र मित्र थे, सेना सामंत थे। उस समय तक वे अपने देश पर स्वयं ही शासन करते थे। मंडले राजधानी थी, परंतु राजवंश के अनेक व्यक्ति देश के विभिन्न शहरों में जाकर बस गए थे। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत समय पूर्व ही पेंगू से 5 कोस दक्षिण की ओर इमेदिन गांव में आकर रह उठा था। उसकी बड़ी अट्टालिका थी, बड़ा बगीचा था, बहुत धन दौलत थी, बड़ी जमींदारी थी। इन सब के मालिक की जब एक दिन उसके परलोक से पुकार हुई, उस समय मित्र को बुलाकर कहा, आपको इच्छा थी तुम्हारे लड़की के साथ अपने लड़की का विवाह कर जाऊंगा, परंतु वो समय आया नहीं, माँ सोए रह जाएगी, ऐसा देखना। इससे अधिक कहने की उसने आवश्यकता नहीं समझी। वाको उसका बचपन का मित्र है। एक दिन उसके पास भी बहुत सी धन दौलत थी। आज वो केवल सर्वहारा ही नहीं, ऋणग्रस्त भी है। तो भी इस व्यक्ति को अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ एकमात्र कन्या को भी निर्भयता पूर्वक सौंप देने में उसे लेश मात्र बाधा नहीं हुई। मित्र का पहचान लेने का इतना बड़ा सुयोग ही उसने इस जीवन में पाया था, परंतु यह दायित्व वाको को अधिक दिन वह नहीं करना पड़ा। उसका भी उस पार का संबंध आ पहुंचा एवं उस महामान्य परवाने को मस्तक पर रखकर बुढ़ापे के वर्ष का चक्र पूरा न घूमते हुए भी जहां का भार तहीं फेंक कर अज्ञात दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। इस धर्म प्राण दरिद्र व्यक्ति को गांव के लोग जितना प्यार करते थे, जितनी श्रद्धा भक्ति रखते थे, वैसे ही प्रचंड आग्रह से उन्होंने इसकी मृत्यु उत्सव को मनाना आरंभ कर दिया। वाको की मृत्यु देहमाला चंदन से सुसज्जित हो अस्थि पर लिटाई गई एवं नीचे खेलकूद नृत्य गीत और आहार विहार के स्रोत रात दिन अविराम बहने लगे। लगता था इसका शायद अंत ही न होगा। पितृशोक के इस उत्कट आनंद से क्षण भर के लिए किसी प्रकार भागकर वाथिन एक निर्जन वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहा था। अचानक चौंकते हुए घूम कर देखा, माँ शोए उसके पीछे आकर खड़ी हुई। उसने चादर के घेरे से अपने दाहिनी हाथ द्वारा आंखें पोंछ ली एवं पास बैठकर उसके दाहिनी हाथ को अपने हाथ में खींचकर धीरे धीरे बोली, पिताजी मर गए हैं, परंतु तुम्हारी माँ शोए तो अभी तक बची हुई है।